ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा फ्लोर लैम्प DIY। तो मैंने काफी दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, रीजन है मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज। तो अब मैं भी अच्छी हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं लैंप की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऐसा एक PVC पाइप और इसके साथ ये वेस्टेड थाली। इस पर मैंने दो ड्रिल भी कर लिया है, एक साइड में और एक मिडिल में। अब इन दोनों को साथ में स्टिक करने के लिए मैंने यूज किया फेविक्विक, जो कि बाद में निकल गया। आप सब ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैंने दोबारा लिया फेविबॉन्ड और इसको बीच में रख के स्टिक किया। आई सजेस्ट कि आप इसको किसी को पकड़ने के लिए दे दीजिए, वरना ये बार बार गिरता ही रहेगा। मैंने इसको 15 टू 20 मिनट्स ऐसे छोड़ दिया अच्छे से स्टडी होने के लिए। वैसे मैंने हेल्प लिया है मेरे भाई का पकड़ने के लिए। और देन मैंने लिया फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले, दोनों को अच्छे से मिक्स किया और इसके राउंड में अच्छे से स्टिक कर लिया मैंने। पहले मैंने एक राउंड किया एंड इसके ड्राई होने के बाद मैंने दूसरी राउंड किया, ताकि हमारा बेस जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ये प्रोसेस होने के बाद ये जो पाइप है उसको आप अपने घर में कोई भी ग्रिल में बांध के रख सकते हैं, ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। तो इसको तो हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब बनाते हैं हम लैम्प का ऊपर वाला पार्ट, जिसके लिए मैंने लिया है ये एक एम्ब्रॉयडरी हुक। इसी तरह से मैंने दो एम्ब्रॉयडरी हुक का अंदर वाला पार्ट ले लिया है। इसके साथ मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का सर्कल, मोल्डेड क्ले और ये तीन स्क्वेयर। आप इसके जगह वायर को राउंड करके भी ले सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप एम्ब्रॉयडरी हुक ही ले। क्ले को अच्छे से मिक्स करके मैंने कार्डबोर्ड रोल के ऊपर स्टिक कर लिया है और उसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ मैं ये स्क्वेयर्स। अब जो हमारा एम्ब्रॉयडरी हुक है उसको इसके ऊपर रख के मेजर करके इन तीन स्क्वेयर्स को कट कर लेना है। देन मैंने लिया है तीन क्ले बॉल्स, इसको अंदर के साइड स्टिक करके हमारे स्क्वेयर्स जो है इसमें फिक्स कर देना है, ताकि ये स्टडी हो जाए। और ये सारी प्रोसेस हमें क्ले सूखने से पहले करना है। तो इसको हम अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे साइड में, और तब तक हम बना लेंगे इसका कवर। अब ये वाला ट्रांसपेरेंट बैग मैंने लिया था DMart से, इसके अंदर मैं डाल के रखती थी मेरे डेकोपास पेपर्स। तो मुझे कहीं ये ट्रांसपेरेंट शीट मिला नहीं बाहर, तो मैंने ये बैग को ही यूज कर लिया कट करके। तो ये मुझे थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैंने इसके दो साइड को कट करके स्टिक कर लिया है फेविकॉल की हेल्प से। देन इसके ड्राई होने के बाद मैंने लिया है जूट बल्ड अप, ये मैंने लिया है इट्सी विट्सी से। मैंने ऑनलाइन भी प्राइस चेक किया था, बट वो कॉस्टली पड़ रहे थे, तो मैंने इट्सी विट्सी से ही ले लिया। तो मैंने सीट को मेजर करके जूट बल्ड अप को कट कर लिया। आपको जो भी साइज चाहिए आप वो ले सकते हैं कट करके। अब मैं यहाँ पे जूट फैब्रिक को सीट के ऊपर फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। अब ये प्रोसेस अच्छे से हो जाने के बाद अब हम एम्ब्रॉयडरी हुक को इसमें अटैच करेंगे। अब मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी दूसरे की हेल्प ले लीजिए। अब दोनों हुक को मैं ग्लू गन की हेल्प से जूट बल्ड रैप में स्टिक कर रही हूँ। टॉप का पार्ट जो था वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम नीचे के पोर्शन की तरफ थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए। तो मैंने लिया है ये सॉफ्ट प्लास्टिक बॉल्स, ये मैंने लिया है अमेजोन से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पाइप का साइज है उसके हिसाब से मैंने बॉल को मार्क कर लिया है और कट कर लेंगे दोनों साइड से। और कट करने के लिए मैं यहाँ पे क्राफ्ट कटर का यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटली 18 बॉल्स को कट किया है। आप अपने पाइप के साइज के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो अब टाइम है पाइप के अंदर बॉल्स को इंसर्ट करने की। अब ये पार्ट होने के बाद
बाद अब चलते हैं कलर पार्ट की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया है जेपी का स्प्रे पेंट, शेड है इसका मेटालिक गोल्ड। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर सकते हैं। अब कलर तो हमारा हो चुका है, अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब बढ़ते हैं लाइटिंग्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है क्रोमटोन का 9 वाट का बल्ब और उसके साथ में लिया है एक होल्डर वायर, ये मैंने लिया है लोकल हार्डवेयर शॉप से। तो यहाँ पर मैं पाइप के ऊपर वाले साइड से वायर को पास कर रही हूँ। थाली के साइड में ड्रिल किया था, उस वाले होल से हम वायर को पास कर लेंगे बाहर की तरफ और लास्ट में मैंने प्लग को अटैच किया है। अब जो हमारा होल्डर है उससे मैं स्टिक कर रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से पाइप में। तो अब बारी है लैंप शेड लगाने की, उसे भी मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ होल्डर में। अब जो हमारा होल्डर का ऊपर वाला पार्ट था वो मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ ताकि ये और थोड़ा स्टडी हो जाए और हमारा लैंप नीचे ना गिर जाए। और लास्ट में हम बल्ब को अटैच करेंगे और ये लैंप हमारा बनकर रेडी है। सभी को ये DIY फ्लोर लैम्प कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप में से कोई न्यू हो तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।